नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू बजाज प्लैटिना 110 एवीएस वेरिएंट के बारे में। तो फाइनली बजाज ने दोबारा प्लैटिना 110 एवीएस को लॉन्च कर दिया है और आज मैं इसी का एक फुल डिटेल वॉकअराउंड रिव्यू करने वाला हूँ। और आगे इस वीडियो में मैं इसका ऑन रोड प्राइस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कितना कलर वेरियंट आपको देखने को मिल रहा है, कितना वेरियंट आपको देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ कितना माइलेज इस बाइक से आपको मिल सकता है। तो ये सब चीज़ जो है आपको इस वीडियो के दौरान शेयर करने वाला हूँ। और वेरी स्पेशल थैंक्स टू डानकुनी बजाज हुगली। आप अगर वेस्ट बंगाल के रहते हो तो डेफिनेटली आप डानकुनी बजाज हुगली में कांटेक्ट कर सकते हो। शोरूम का पूरा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो जो है फटाफट शुरू करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिलने वाला वेरिएंट की अगर बात करें तो टोटल आपको दो वेरिएंट देखने को मिलता है बजाज प्लैटिना 110 के ऊपर। एक है आपका टॉप वेरिएंट एबीएस वेरिएंट, तो एबीएस का ब्रांडिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और एक है इसका ड्रम वेरिएंट। तो ड्रम वेरिएंट का वीडियो ऑलरेडी मेरा चैनल पे लाइव है। और कलर स्कीम की अगर बात करें तो ये एबीएस वेरिएंट पे आपको टोटल तीन कलर स्कीम देखने को मिलता है। ये जो पर्टिकुलर कलर स्कीम आप देख पा रहे हो, इसका नेम है कॉकटेल वाइन रेड। इसको छोड़ के और दो कलर स्कीम आता है, सैफायर ब्लू और इबोनी ब्लैक। बाकी तीनों कलर स्कीम का फोटो आपका स्क्रीन पर अभी आपको दिख रही होगी। और इसमें जो अपडेट मिला है वो है एबीएस का अपडेट, तो एबीएस का ब्रांडिंग आप यहाँ पर देख पा रहे हो। बाकी प्राइस की अगर बात करें तो इसका जो एकदम बेस मॉडल है 85,700 रुपीज़ के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस आपको हुगली में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप वेस्ट बंगाल कह लीजिए 1,000-2,000 के आसपास जो है प्राइस डिफरेंट आपको देखने को मिल सकता है। और ये जो एबीएस वेरिएंट है, पर्टिकुलर ये जो एबीएस वेरिएंट आप देख पा रहे हो, इसका प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 89,000 के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस आपको हुगली में देखने को मिल सकता है। बाकी इस बाइक को आपको अगर देखना है, परचेस करना है, तो डेफिनेटली आप डानकुनी बजाज हुगली में कांटेक्ट कर सकते हो। शोरूम का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आगे जान लेते हैं इसमें आपको और क्या क्या फीचर्स मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका की से शुरुआत करते हैं। तो की की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको नॉर्मल की मिलता है बजाज के ब्रांडिंग के साथ। चलिए एक बार इग्निशन को ऑन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर जैसे इग्निशन को ऑन करते हो, फर्स्ट इसका एलईडी डीआरएल आपको यहाँ पे जलता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसका जो एलईडी डीआरएल है बहुत ही ब्राइट है, और दिन के टाइम पे ये जो है ऑन रहेगा डेफिनेटली। बाकी आपको अगर मेन हेडलाइट ऑन करना है नाइट के टाइम पे, तो आपको यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्विच भी मिलता है। आप बेसिकली इसको अगर लेफ्ट साइड स्विच कर देते हो तो इसमें जो है आपका मेन हेडलाइट ऑन हो जाएगा, और दिन के टाइम पे जो है आप डेफिनेटली इसको ऑफ करके चला सकते हो। बाकी मेन हेडलाइट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको हैलोजन हेडलाइट सेटअप दी गई है, और इसका जो लाइटिंग थ्रो है वो काफ़ी कमाल का है। इंडिकेटर की अगर बात करें तो इंडिकेटर यहाँ पे आपको बल्ब इंडिकेटर मिलता है, और ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही स्टाइलिश भी है। और बेसिकली ये यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दी गई है। सामने में आपको एक प्रॉपर टिंटेड मीटर सील भी मिल जाता है। बाकी वाइजर का ग्राफिक की अगर बात करें तो साइड में आपको कुछ इस टाइप ऑफ ग्राफिक देखने को मिलेगा। बेसिकली स्टिकर दी गई है, और आपका बाइक का जो नंबर प्लेट है वो सामने यहाँ पे आपका बाइक का नंबर प्लेट फिट होगा। और यहाँ पे आपको सामने में कम्फर्टेक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी दी गई है, जिसका सस्पेंशन ट्रैवल जो है बहुत ही मतलब काफ़ी सस्पेंशन ट्रैवल का स्पेस यहाँ पे दी गई है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मडगार्ड की अगर बात करें तो ये रेड कलर में इसका जो मडगार्ड है, फाइबर का मडगार्ड तो मिलता ही है, उसके साथ साथ ये रेड कलर में देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इधर आपको थोड़ा बहुत स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगा। एंटी स्किट ब्रेकिंग का ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मेन जो अपडेट है वो है एबीएस, तो एबीएस आपको इस साइड में नहीं देखने को मिलेगा। एबीएस का रिंग जो है आपको ये लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, मतलब फर्स्ट इन सेगमेंट कोई 110cc बाइक के ऊपर आपको एबीएस देखने को मिल रहा है, और ये जो है आपको बजाज से प्रोवाइड कर रहा है। बाकी रिफ्लेक्टर आपको दोनों साइड पे दिख जाएगा BS6 के नॉर्म के हिसाब से। और फ्रंट डिस्क की अगर बात करें तो 240 सेक्शन का डिस्क यहाँ पे दी गई है विथ सिंगल चैनल एबीएस के साथ। और टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 80x100 का टायर मिलता है, वो भी ट्यूबलेस टायर है। तो 80x100 17 का आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, मेट्रो का टायर बेसिकली अभी इसमें यूज़ करा गया है। और रिम के साइड पे आपको काइंड ऑफ कॉपर कलर में स्टिकरिंग भी देखने को मिलेगा, मैट ब्लैक फिनिश में रिम दी गई है, और ये भी देखने में बहुत ही खूबसूरत है। टैंक की अगर बात करें तो 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है। माइलेज अप्रॉक्सीमेटली आपको 70+ के MPL का माइलेज इस बाइक से डेफिनेटली मिलने वाला है। और प्लैटिना जो है माइलेज और कम्फर्ट के लिए मेनली जाना जाता है। यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड टैंक पैड भी देखने को मिल जाएगा। अभी आते हैं इंजन की तरफ। तो इंजन की अगर बात करें तो इसमें आपको 115.45 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 कंप्लाइंट इलेक्ट्रॉनिक्स कार्बोरेटर इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो लगभग 8.6 PS का पावर जेनरेट करता है और 9.81 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा इस इंजन से। उसके साथ साथ इसमें आपको 5-स्पीड गियर बॉक्स भी देखने को मिलता है। तो एक 110cc बाइक में आपको ABS भी मिल रहा है, 5-स्पीड गियर बॉक्स भी मिल रहा है, तो आप समझ सकते हो।
और यहाँ पे आपको किक स्टार्ट भी दी गई है, तो आपका मतलब विंटर के सीजन पे कोई भी दिक्कत नहीं होता है। DTSI टेक्नोलॉजी हुई चीज़ ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी, उसका भी ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी क्रैश गार्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका जो कैटेलिटिक कन्वर्टर है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें टिब्यूला सिंगल डाउन ट्यूब विथ लोअर क्रैडल फ्रेम यूज़ करा गया है। बाकी फुटपैक वगैरह जो है यहाँ पे आपको कम्यूटर बाइक की तरफ रबर कोटेड फुटपैक मिलता है, और पिलियन का जो स्पेशली फुट रेस है वो बहुत ही वाइड मिलता है। सीट की तरफ आते हैं, सीट यहाँ पे आपको कंफर्ट लाइन सीट दी गई है, तो कंफर्टिक का ब्रांडिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही लंबा भी है सीट, मतलब आप दोनों जन जो है इसमें आराम से राइड कर सकते हो। उसके साथ साथ ये जो है बहुत ही कंफर्टेबल सीट है, मतलब बहुत ही नरम यहाँ पे आपको कुशन मिलता है, उसके साथ साथ वाइड भी है। और यहाँ पे सस्पेंशन की अगर बात करें तो इसमें भी एंड्योरेंस का नाइट्रॉक शॉक एब्जॉर्बर मिलता है, ट्विन हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर बेसिकली यहाँ पे दी गई है, और ये भी एडजस्टेबल है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। बाकी एग्जॉस्ट का जो लुक है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बाकी इसका एग्जॉस्ट का नोट मैं आपको आगे ज़रूर सुनाऊंगा। बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही रिफाइन है, पहले वाला प्लेटिना से तो काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। बाकी पाइप स्विंगम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पीछे में आपको RLP सेंसर मिलता है, लिफ्ट व्हील प्रोटेक्शन सेंसर। और रियर ब्रेक की अगर बात करें तो 110 सेक्शन का आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, उसके साथ साथ सामने में तो आपको ABS मिलता ही है। रियर ब्रेक अगर आप अप्लाई करोगे तो फ्रंट ब्रेक भी ऑटोमेटिक इंगेज होगा, तो बेसिकली रियर में आपको कॉम्बे ब्रेक सिस्टम मिलता है, जैसे आप इसको इंगेज करोगे तो ये फ्रंट ब्रेक ऑटोमेटिक इंगेज होगा। तो ये है आपका कॉम्बे ब्रेक सिस्टम का मैकेनिज्म। आप एक चीज़ देख सकते हो, मैं यहाँ पे रियर ब्रेक दबा रहा हूँ और ये जो है यहाँ पे खींच रहा है, आप देख सकते हो। तो और पीछे में आपको RLP सेंसर भी यहाँ पे दी गई है। बाकी रियर टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो सेम मिलता है, फ्रंट की तरफ भी 80x117 का ट्यूबलेस टायर मिलता है, मेट्रो का टायर यहाँ पे दी गई है, और रिम का जो डिज़ाइन है वो भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैट ब्लैक फिनिश में रिम दी गई है। और 110 ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का ब्रांडिंग आपको पीछे में देखने को मिल जाएगा। सिंगल ग्रैब रेल दी गई है, वो भी मैट ब्लैक फिनिश में यहाँ पे आपको ग्रैब रेल मिलता है। और रियर टेल लाइट यहाँ पे बेसिकली आपको बल्ब टेल लाइट दी गई है, तो इसका जो डिज़ाइन है आप यहाँ से देख सकते हो, ये भी देखने में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आपको बल्ब ब्लिंकर्स भी दिख रहा होगा, रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में आते हैं, लेफ्ट साइड में बेसिकली आपको यहाँ पे साड़ी घाट तो मिलता ही है, कम्यूटर बाइक है तो साड़ी घाट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसके साथ साथ लेडीज़ फुट रेस भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। चेन भी टोटली कवर्ड है, तो ज़्यादा चेन का जो है मेंटेनेंस है नहीं, और यहाँ पे 5-speed गियरबॉक्स मिलता है। बाकी इस बाइक का अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो मैसिव 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। वेट इसका 123 kg इस बाइक का वेट है, और जो सैडल हाइट है मतलब जो सीट हाइट है वो 807 mm, तो आपका हाइट अगर 5'5" 5'4" भी है, आराम से आप इस बाइक को चला पाएंगे। साइड स्टैंड विथ साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो मैंडेटरी है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे मिडिल स्टैंड भी देखने को मिल जाएगा। और ये है आपका 5-speed गियरबॉक्स, बेसिकली ऑल डाउन शेप यहाँ पे दी गई है, तो सामने की तरफ आपको ऑल डाउन करना पड़ेगा, तो आपका 5-speed गियरबॉक्स यहाँ पे आपको मिलता है। टो शिफ्टर एंड हिल शिफ्टर दोनों शिफ्टर ही मिल जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स कार्बोरेटर है, तो बेसिकली आप यहाँ पे फ्यूल को जो है ऑन ऑफ कर सकते हो कुछ। और हैंडल बार की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सिंगल हैंडल बार मिलता है, क्रोम फिनिश में हैंडल बार दी गई है, और हैंडल बार बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, क्योंकि आप सिटी वगैरह में राइड करने वाले हो। इसको लेकर सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दी गई है, जिसमें आपको सर्विस रिमाइंडर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल गेज, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ओडो शो कर रहा है, यहाँ पे आपका गियर पोजीशन इंडिकेटर शो कर रहा है, टाइम, फ्यूल गेज, और यहाँ से और आपको ट्रिप मीटर देखने को मिलेगा। और सर्विस रिमाइंडर जो है, जब आपका बाइक का सर्विस आएगा तब आपको सर्विस रिमाइंडर देखने को मिलेगा। लो बैटरी का सिग्नल वो भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी स्पीडोमीटर जो है आपको यहाँ पे एनालॉग में मिलता है। और टेल टेल लाइट्स की अगर बात करें, यहाँ पे आपको इंडिकेटर का सिग्नल मिलता है, न्यूट्रल का लाइट, हाई बीम का सिग्नल, इंजन मालफंक्शन, ABS का सिग्नल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। प्लैटिना का ब्रांडिंग आपको यहाँ पे एक छोटा करके दिया गया है। और स्विच पैनल की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आपको DRL और मेन हेडलाइट में स्विच करने के लिए डेडिकेटेड स्विच मिलता है, सेल बटन, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर का स्विच, हॉर्न भी एक बार चलिए सुन लेते हैं। डिसेंट होने डेफिनेटली सिटी वगैरह के लिए जो है लाउड है। और यहाँ पे आपको डिपर बटन मिलता है। बाकी क्लच की अगर बात कर तो क्लच ठीक है, मीडियम साइड है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है, और मिरर से भी आपको ठीक ठाक विजिबिलिटी मिल जाता है। तो चलिए एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके इसका एग्जॉस्ट नोट भी आपको सुनाते हैं।
बहुत ही स्मूथ है, मतलब बाइक स्टार्ट है कुछ मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत ही स्मूथ है, वाइब्रेशन बहुत कम करा गया है पहले से, और 5-speed गियरबॉक्स के कारण इंजन जो है बहुत ही स्मूथ है। बाकी आपको अगर ये बाइक को देखना है या फिर परचेस करना है तो डेफिनेटली आप अगर वेस्ट बंगाल के रहते हो तो डानकुनी बजाज हुगली में कांटेक्ट कर सकते हो, शोरूम का डिटेल्स आपको दिया रहेगा। बाकी प्लेटिना 110 ABS का जो जो फैन है वो लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट करके बताना भाई आपको ये अपडेट कैसा लगा प्लेटिना के ऊपर। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहे। टाटा गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइस।